तहसील मोदीनगर के ग्राम मकरमतपुर सिखेड़ा में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर अधिवक्ता के खिलाफ पुजारी ने पुलिस में दी झूठी तहरीर, बेबुनियाद आरोप लगाए, फिर ग्राम में पहुंचकर अधिवक्ता के साथ गाली गलौच व की मारपीट। आपको बताते चले कि ग्राम मकरमतपुर सिखेड़ा के एक मंदिर में पुजारी सुबह 4 बजे लाउडस्पीकर बजा देता है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर रोक है और उल्लंघन करने पर 5,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना व 5 साल की सजा दोनों हो सकती है। अगर बजाना भी है तो प्रशासन की अनुमति के बाद ही बजाया जाता है, लेकिन पुजारी कानून को ताक पर रखकर यह सब करता है। मना करने पर किसी की भी नहीं सुनता। जब इसका विरोध ग्राम की ही अधिवक्ता राखी त्यागी ने किया तो पुजारी आग बबूला हो उनके खिलाफ झूठी शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंच गया। यहां अधिकारियों ने भी यह सब करने के लिए मना किया और आगे से ऐसा कुछ न करने के लिए बोला, लेकिन पुजारी को यह सब बातें हजम नहीं हुई और तहसील परिसर में ही अधिवक्ता को देख लेने की धमकी दे आया और शाम को अधिवक्ता के साथ ग्राम में गाली गलौज की और राखी त्यागी के साथ मारपीट भी की। फिर गांव वालों को इकट्ठा करके उल्टा अधिवक्ता हुआ के साथ मारपीट के दौरान आए अधिवक्ता के परिजनों पर ही यह आरोप लगा दिया कि वो उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। वहीं सारे मामले में ग्राम में राजनीति भी शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाने वाले व एक महिला अधिवक्ता के साथ मारपीट करने वाले पुजारी के खिलाफ कार्रवाई करता है और कानून का पालन करने वाले अधिवक्ता को इंसाफ दिलाता है या नहीं। केटी लाइव न्यूज के लिए हसन खान की रिपोर्ट। आपका? मेरा नाम राखी त्यागी। कहाँ की रहने वाली है? मैं मकरमतपुर सिखेड़ा की रहने वाली हूँ जी। कुछ मामला है आपके खिलाफ? क्या है मामला उसके बारे में? मेरे खिलाफ क्या है जी, हमारे यहाँ मंदिर पे एक महाराज जी आए अभी 8-7 दिन पहले जी। क्या नाम है उनका? उनका नाम मंगलनाथ है जी। वो सुबह 4 बजे लाउड स्पीकर बजाते थे, पड़ोस में एक मौत हुई है, बच्चे पढ़ने वाले हैं, मैं खुद भी मार रहती हूँ। मैंने उनसे कई बार कहा कि महाराज जी आप 6 बजे के बाद लाउड स्पीकर बजा ले करो ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो, कोई बीमार है उसे दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत मौत का मानवता के नाते ध्यान रख लो। बात नहीं मानते। आज सुबह भी उन्होंने सुबह 4:30 बजे लाउड स्पीकर चला दिया। मैं मना करने पहुंची तो मेरे से लड़ने लगे। मैं कहने लगी महाराज जी तुम पे कोई परमिशन नहीं क्या लाउड स्पीकर बजाने की? सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि रात को 10 बजे के बाद और सुबह को 6 बजे से पहले आप लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते, और यदि बजाते हो तो आपको सुप्रीम कोर्ट का जो है वहाँ से रूलिंग को मानना होगा, नहीं तो उसकी परमिशन लेनी होगी बजाने के लिए। वहाँ तो ये बात होगी, मैं उनसे कह के आ गई। उसके बाद में उन्होंने यहाँ तहसील में आए, मुझे धमकी देकर गए हैं, ये एप्लीकेशन देकर गए एसडीएम साहब के पास में कि अब तुम्हारे खिलाफ एप्लीकेशन देकर जा रहे हैं, अब देखेंगे तो मैं कौन बचाता है। उल्टी सीधी बात कह के गए, मुझे बदतमीजी से मेरे साथ ही बोल कर गए हैं कि मैं तुम्हें ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं देखूंगा तुम कैसे अपनी वकालत करोगे। इस आदमी ने बहुत तंग कर रखा है, ये अपना परिवार खुद अपने 8 दिन बच्चों को छोड़ कर आया है, अपने बाप के भरोसे पे 8 दिन पहले इसका भाई भी मरा है, किसी की बात नहीं मानता है। गाँव के हमारे एक राजनीति रहेंगे जो करते हैंगे आना राजवीर बोल देते हैं उनको, उनके शिकायत में आके जिनसे मेरी पहले भी लाउड स्पीकर बजाने के ऊपर 2-3 बार झड़प हो चुकी है कि भाई आप मत बजाओ, और वो जबरदस्ती बजाते हैं, उनकी वजह से उनके साथ में मिलकर आज ये मेरे खिलाफ एप्लीकेशन भी देने आए हैंगे। और ये सबसे बड़ी बात है, किसी भी कानून को मानने को तैयार नहीं है, ना तो ये लिखित अनुमति दिखाते हैं ना ही ये बात मानते हैं, और तो और ये किसी की मतलब शर्म करते ही नहीं है। दोनों बंदे इन्होंने बिल्कुल अंत की मचा रखी है गाँव के अंदर।